हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। स्वागत है आप सभी का जेनिक जीएस स्टडी चैनल के इतिहास के पन्नों में, आज के तारीख के एपिसोड में। गाइस, आज है 19 दिसंबर और आज हम जानने वाले हैं कि विश्व के इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं घटी है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 19वीं शताब्दी के मध्य से, यानी 1823 से। आज ही के दिन जॉर्जिया ने पहली बार जन्म पंजीकरण की अगर हम बात करें, अगर तो बॉर्न रजिस्ट्रेशन की, अगर बर्थ रजिस्ट्रेशन की बात की जाए, तो जॉर्जिया ने पहली बार पूरे विश्व में बर्थ रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की थी। आज ही के दिन 1860 में पहली बार 1848 से 1856 तक भारत में गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड डलहौजी का निधन हो गया था, और लॉर्ड डलहौजी ही जो थे भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति अपनाए थे, यानी उसको डलहौजी के व्यापगत नीति सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। आज ही के दिन 1927 में ठाकुर रोशन सिंह, उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकउल्लाह को फांसी की सजा दे दी गई थी, क्योंकि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले ये लोग जो थे, इन लोगों को फांसी दे दिया गया था। आज ही के दिन 1932 में पहली बार बीबीसी ने पहला अंतर्राष्ट्रीय सेवा जो है, अपना इंटरनेशनल सर्विस जो है, वो ऑस्ट्रेलिया से शुरू की थी। आज ही के दिन 1934 में भारत के 12वें राष्ट्रपति जो रह चुकी हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी का जन्म हुआ था जलगांव में, महाराष्ट्र में। आज ही के दिन 1961 में अगर हम बात करें तो गोवा को पुर्तगालियों से आज़ादी मिली थी, यानी कि भारत के साथ गोवा एक्सेशन किया था, और गोवा भारत का एक सोवरीन स्टेट बनने की अगर हम बात करें तो भारत के सोवरीनिटी को अपना लिया था और स्टेट बना था भारत का। आज ही के दिन 1966 की अगर हम बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी, जिसकी राजधानी है आपका, अगर हम बात करें, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। आज ही के दिन 1998 में लेवेंस्की घोटाला के कारण यूएस के जितने भी लोग थे लेवेंस्की घोटाले में शामिल थे, और बिल क्लिंटन जो वहाँ के राष्ट्रपति थे उनके ऊपर महाभियोग चलाया गया था, इम्पीचमेंट प्रोसेस लाया गया था। आज ही के दिन 2007 में टाइम्स मैगजीन ने रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन को 2007 का पर्सन ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा था, और टाइम्स मैगजीन ने डिक्लेयर किया था कि पुतिन जो हैं, व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, वो पर्सन ऑफ द ईयर हैं इस साल के। आज ही के दिन 2012 में पार्क ग्यून ही की अगर हम बात करें तो, जिनका नाम है पार्क ग्यून ही, साउथ कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी दक्षिण कोरिया की। और 2012 की अगर हम बात करें तो उनका नाम है पार्क ग्यून ही, याद रखिएगा। ये है आज का एपिसोड, और सबसे पहले आप आज डे कौन कौन सा सेलिब्रेट किया जाता है ये जान लेते हैं। तो आज यानी कि 19 दिसंबर को लुक फॉर एन एवरग्रीन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। साथ ही साथ भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो गोवा लिबरेशन डे के रूप में भी मनाया जाता है। गाइस, ये थी आज की एपिसोड। अब आप हमें दो क्वेश्चंस का आंसर देंगे। सबसे पहले आप हमें ये बताएंगे कि साउथ कोरिया की राजधानी और उसकी करेंसी क्या है। दूसरी चीज़ आप हमें ये बताएंगे कि भारत में पुर्तगाल के अलावा आज़ादी के बाद कौन से राज्य को या टेरिटरी को शामिल किया गया था जो विदेशियों के हाथ में था। ओके गाइज, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को और आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।